हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हमने उस इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर में आप लोगों ने बताया था न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, और पेंटोज शुगर में राइबोज शुगर क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या है। ओके, और हमने बताया फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, एनहाइड्राइड बॉन्ड क्या है, फिर जो डीएनए कैसे बना होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड से हमने वो बताया था, और प्यूरीन पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेसिस के बारे में हमने बताया था। प्यूरीन में एडिनिन गुआनिन था, पिरिमिडिन में साइटोसिन थियामिन था। फिर हमने आपको और क्या बताया था, हमने चारगाप्स रूल बताया था जिसमें एडिनिन इक्वल टू ग्वानिन साइटोसिन थायमिन के बराबर होता है, और ए प्लस टी बराबर जी प्लस सी, ये हमने आपको बताया था। सॉरी, ए प्लस जी बराबर सी प्लस टी, मतलब प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन, और कंसंट्रेशन ऑफ एडिनिन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ थायमिन। तो बच्चों, आपने ये सब देख लिया। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। किसके बारे में? आरएनए का हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो आरएनए भी एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, और आरएनए में कुछ होते हैं जो फ्री भी रहते हैं, साइटोप्लाज्म में भी रहते हैं। ठीक, तो देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ आरएनए क्या है, कितने प्रकार के आरएनए हैं, हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन। देखिए, आरएनए को कितने भागों में क्लासीफाई किया गया है? एक जेनेटिक आरएनए, दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए मतलब जो जेनेटिक मटेरियल बनाता हो। क्या है? जेनेटिक मटेरियल बताता हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है, राइबो वायरा के मेंबर में। तो ये मोस्टली आरएनए जानते हैं आप लोग, सिंगल स्ट्रैंड होता है, मतलब एक ही स्ट्रैंड का बना होता है। और डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंड का होता है, जिसका डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का किसने दिया था? वाटसन और क्रिक। तो ये जो जेनेटिक आरएनए हैं वो किसी किसी ऑर्गेनिज्म जो वायरस हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंड का होगा उसको यस लिखते हैं, और डबल स्ट्रैंड का होगा उसको डीएस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डीएस। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है टीएमवी। टीएमवी मतलब टोबैगो मोजैक वायरस, क्या? जो कि टोबैको में, तंबाकू में मोजैक डिजीज का काज करता है। जो और एचआरवी कौन कौन? तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए किस में है? टीएमवी और एचआरवी। और जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो किस में है? रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस। किसमें? रियो वायरस और बाउंड ट्यूमर वायरस। अब देखते हैं हम लोग नॉन जेनेटिक आरएनए। ये आरएनए होंगे हम ऐसे आरएनए हैं जो जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य नहीं करते हैं। ये क्या करेंगे आरएनए? ये काम करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस करने में, या क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। तो इन जेनेटिक जो ये नॉन जेनेटिक आरएनए है ये कहाँ पाया जाएगा? ये न्यूक्लियस में या न्यूक्लियोलस में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस में। तो ये नॉन जेनेटिक आरएनए जो है ये भी दो टाइप से इसको डिवाइड करेंगे, कैटालिटिक आरएनए और नॉन कैटालिटिक आरएनए। कैटालिटिक आरएनए में होगा राइबोजाइम। कैटालिटिक मतलब क्या होता है? कैटालिस्ट मतलब क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दें, क्या करें? बढ़ा दें। तो ये जो कैटालिटिक आरएनए है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राइबोजाइम। देखिए, आपने एंजाइम अगर पढ़ा होगा, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट यही एक्सेप्शन है। ये आरएनए के बने हैं, लेकिन ये एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। तो ऐसे आरएनए जो एंजाइम की तरह वर्क करते हैं उनको बोलते हैं कैटालिटिक आरएनए। कौन सा आरएनए? कैटालिटिक आरएनए। उसका एग्जाम्पल है राइबोजाइम। क्या एग्जाम्पल है? राइबोजाइम। यहाँ पर हमने लिखा है आरएनए दैट इंक्रीज और वर्क्स एज एंजाइम। फिर नॉन कैटालिटिक आरएनए में क्या है? नॉन कैटालिटिक आरएनए में आपका होगा टीआरएनए, आरआरएनए, एचएनआरएनए। ओके, देखते हैं हम लोग नॉन कैटालिटिक आरएनए में। नॉन कैटालिटिक आरएनए का हमने दो तरफ से क्लासिफिकेशन किया है, नॉन कोडिंग आरएनए और कोडिंग आरएनए। ये नॉन कोडिंग आरएनए और कोडिंग आरएनए। कोडिंग आरएनए का मतलब ऐसे आरएनए जिस पे कोडान प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? कोडान। कोडान आप लोग जानते हैं ना, जैसे ए यू जी, ये हो गया एक कोडान।
तो ऐसा ये mRNA होगा जिसपे कोडान प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होगा? कोडान। और नॉन कोडिंग आरएनए में कोडान अब्सेंट होगा। तो नॉन कोडिंग आरएनए में क्या क्या हो गए? tRNA, rRNA और hnRNA। कौन सा? hnRNA। तो नॉन कोडिंग में हो गया tRNA, rRNA और hnRNA। और कोडिंग आरएनए क्या होगा? mRNA। इसको कोडिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोडान प्रेजेंट होता है। और नॉन कोडिंग आरएनए जो है उसमें कोडान अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट होता है। कोडिंग आरएनए में कौन सा आरएनए है? mRNA। नॉन कोडिंग में rRNA और tRNA। तो आरएनए का कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है? आरएनए का क्लासिफिकेशन कैसे? दो प्रकार से, जेंटिक आरएनए, नॉन जेंटिक आरएनए। जेंटिक आरएनए में किस में प्रेजेंट होता है? TMB और रियो वायरस में। नॉन जेंटिक आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस वगैरह में। और ये होते कैसे हैं? कैटलिटिक और नॉन कैटलिटिक। कैटलिटिक में राइबोजाइम है, नॉन कैटलिटिक में दो प्रकार से, कोडिंग और नॉन कोडिंग। कोडिंग में कोडान प्रेजेंट होगा जैसे mRNA, नॉन कोडिंग में कोडान अब्सेंट हो जाएगा जैसे tRNA, rRNA और hnRNA। अब हम एक एक करके आरएनए की स्टडी करते हैं। पहला हमारा है जेंटिक आरएनए। द आरएनए विच फंक्शंस एज जेंटिक मटेरियल इज नोन एज जेंटिक आरएनए। उनको क्या बोलेंगे? जेंटिक आरएनए। एग्जांपल है राइबो वायरस मेंबर। जैसे देखिए, जो वायरस होते हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जेंटिक मटेरियल विच आर प्रेजेंट इन वायरस। जैसे जिसमें डीएनए प्रेजेंट होगा उसको डीऑक्सीराइबोवायरा, और जिसमें आरएनए प्रेजेंट होगा उसको राइबोवायरा में। तो राइबोवायरा के मेंबर में जो जेंटिक मटेरियल होता है आरएनए होता है। इसका एग्जांपल हमने बताया टीएमबी, रियो वायरस और रेट्रोवायरस। और नॉन जेंटिक आरएनए कौन सा है? आरएनए विच डू नॉट फंक्शन लाइक जेंटिक मटेरियल। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बता दिया था, ऐसे आरएनए जो जेंटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करते हैं उनको नॉन जेंटिक आरएनए कहते हैं। दीज आरएनए आर सेंसिटाइज ऑन डीएनए टेम्पलेट। ये आरएनए डीएनए टेम्पलेट पर सेंसिटाइज होते हैं। कहाँ बनते हैं? डीएनए टेम्पलेट पे। द नॉन जेंटिक आरएनए आज आर आ फॉलोइंग टाइप, जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में बताया था। तो पहला टाइप है इस नॉन जेंटिक आरएनए का आरएनए। क्या है? आरआरएनए। आर का मतलब राइबोसोमल। आर का मतलब क्या होगा? राइबोसोमल। तो आइए देखते हैं, राइबोसोमल आरएनए को इनसॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए को किसने खोजा था? कुंज ने। जिस साइंटिस्ट ने राइबोसोमल आरएनए को खोजा था उनका नाम था कुंज। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट आरएनए कितना कौन है? यही है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आरएनए यही है आरआरएनए। कितना पाया जाता है? 80%। टोटल आरएनए का 80% जो होता है यही आरआरएनए पाया जाता है। कौन पाया जाता है? आरआरएनए। ये मोस्ट स्टेबल है, इसलिए इसको इनसॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। देखिए, और ये बनता कहाँ है? ये हमारे न्यूक्लियोलस में बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। और ये भी रखिए, ये मैक्सिमम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो 80% है यही पाया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो अदर mRNA और tRNA है वो न्यूक्लियस में बनता है, लेकिन ये न्यूक्लियोलस में बनता है। कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और एक चीज़ जो आपको रखना है ध्यान, ये आरएनए पॉलीमरेज इसको बनाता है। जो आरएनए है उसको कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज। और ये पाया कहाँ जाता है? फाउंड इन राइबोसोम। ये राइबोसोम में भी पाया जाता है। देखिए, राइबोसोम में क्या होता है? आरएनए प्लस राइबोसोमल प्रोटीन मिलके राइबोसोम बनाती है, जो कि एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। ठीक, आरएनए क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन है। तो हमने आरएनए के बारे में क्या बताया आपको? आरएनए को हमने, ये जो आरआरएनए है इसको हमने बताया, ये सबसे ज़्यादा सेल में पाया जाता है। कितना? 80%। ये मोस्ट स्टेबल है, और इसको इनसॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ये कहाँ सिंथेटाइज होता है? न्यूक्लियोलस में। और इसको आरएनए पॉल फर्स्ट बताता है। कौन? आरएनए पॉल फर्स्ट। इसको पॉल हमने लिखा है, इसको पॉलीमरेज बोलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इसको बनाता है, और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है सेल में, तो इसलिए इसको बोला जाता है मोस्ट अबंडेंट आरएनए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आरएनए का फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन इसका है स्ट्रक्चरल रोल। इट फॉर्म राइबोसोम। देखिए, हमने ऊपर बताया था ना, राइबोसोम किसका बना होता है? आरएनए होता है और राइबो प्रोटीन होता है। तो
तो इसका ये स्ट्रक्चरल रोल हो गया। कैटालिटिक रोल जो हमने राइबोजाइम बताया था वो आरआरएनए का ही बना होता है। किसका बना होता है? आरआरएनए का भी बना होता है। तो हम दिस इज ऑल अबाउट आरआरएनए। हमने आरएनए का को बारे में बताया, इनसॉल्युबल आरएनए, मोस्ट अबंडेंट आरएनए, आरएनए फॉर फर्स्ट बनाता है इसको, और इसका रोल स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल है। और ये कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में बनता है। अब जो रिमेनिंग आपको आरएनए बताएंगे हम, दो आरएनए, टी आरएनए और यम आरएनए। तो टी और यम कहाँ बनेंगे? न्यूक्लियस में। कहाँ? न्यूक्लियस में। और जो वो था आर आरएनए था वो न्यूक्लियोलस में बनेगा। कहाँ? न्यूक्लियोलस में। सबसे ज़्यादा कौन आरएनए होता है? टी आरएनए, सॉरी आर आरएनए होता है। अब देखिए ये जो टी आरएनए है इसको ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं, सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं और एडाप्टर आरएनए कहते हैं। आगे हम बताएंगे इसको टी आरएनए क्यों कहते हैं, सॉल्युबल आरएनए क्यों कहते हैं, सॉल्युबल मतलब यस आरएनए, और जो एडाप्टर आरएनए क्यों कहते हैं। ठीक, स्मॉलेस्ट आरएनए ये सबसे छोटा आरएनए है। ओके, सबसे छोटा आरएनए, यहाँ आर नहीं रहेगा, स्मॉलेस्ट आरएनए। टी आरएनए क्या है? स्मॉलेस्ट आरएनए है। तो कितना पाया था? 10 से 15% ऑफ टोटल आरएनए। सबसे ज़्यादा आर आरएनए था, उसके बाद टी आरएनए पाया जाता है। फॉर्म बाय आरएनए पोल थर्ड, ये आपको याद रखना है। जो टी आरएनए था उसको आरएनए पोल फर्स्ट बनाया था, जो आर आरएनए था उसको आरएनए पोल फर्स्ट बनाया था, जो टी है उसको आरएनए पोल थर्ड बनाएगा। देखिए आप लोग ऐसे याद कर लेना, टी से थर्ड होता है ना, तो आरएनए पोल थर्ड को आरएनए पोल थर्ड टी आरएनए को बनाएगा। कौन बनाएगा? आरएनए पोल थर्ड टी आरएनए को बनाएंगे, और आरएनए पोल फर्स्ट यम आरएनए को बनाएंगे। किसको? सॉरी यम आरएनए नहीं यार, आर आरएनए। आरएनए पोल फर्स्ट आर आरएनए को, आरएनए पोल थर्ड टी आरएनए को। अब ये इसको खोजा किसने था? हॉगलैंड एंड स्टीफन। कौन? स्टीफनसन। कौन? हॉगलैंड एंड स्टीफनसन। ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स आरएनए है। कैसा? मोस्ट कॉम्प्लेक्स आरएनए है। जैसा कि हमने बताया था जो आर आरएनए था वो न्यूक्लियस में बनता है, लेकिन न्यूक्लियोलस में बनता है, लेकिन ये न्यूक्लियस में बनता है। और इसको कौन बनाता है? डीएनए टेम्पलेट बाई आरएनए पोल थर्ड। स्मॉलेस्ट आरएनए सो सॉल्युबल आरएनए। इट इज सॉल्युबल इन एनएसीएल। एनएसीएल में ये सॉल्युबल हो जाता है इसको, इसलिए सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं। जो आर आरएनए है वो इनसॉल्युबल था। क्या था? इनसॉल्युबल। इट आल्सो कॉल्ड एडाप्टर आरएनए बिकॉज इट ट्रांसफर एमिनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो टी आरएनए जो होता है ये एमिनो एसिड को अपने 3' एंड पे रख के लाता है एम आरएनए के पास, इसलिए इसको एडाप्टर आरएनए बोलते हैं। और ये जो ट्रांसफ़र करता है एमिनो एसिड को, इसलिए इसको ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। एनएसीएल में सॉल्युबल होने के कारण इसको सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। तो हमने आपको दो आरएनए के बारे में बता दिया, आर आरएनए और टी आरएनए। आर आरएनए को किसने बनाया था? आरएनए, ये आरएनए पोल फर्स्ट, टी को थर्ड। ओके, ये न्यूक्लियोलस में बनता है, ये न्यूक्लियस में बनता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर ऑफ टी आरएनए। अब हम टी आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले हम 2D स्ट्रक्चर इसका क्या है, फिर 3D स्ट्रक्चर क्या है। 2D मतलब टू डायमेंशन में क्या है इसका स्ट्रक्चर, और 3D मतलब 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर है। 2D स्ट्रक्चर में इसका पहला ये मॉडल दिया गया था, क्लोवर लीफ मॉडल, जो हॉले के द्वारा दिया गया था। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल यही है। और 3D स्ट्रक्चर का मॉडल क्या है? इन्वर्टेड यल मॉडल। किसने दिया था? किम ने दिया था। किसने? किम ने। तो किसने दिया इसका 3D मॉडल? किम ने दिया, उसको इन्वर्टेड एल मॉडल कहते हैं। और जो 2D स्ट्रक्चर वाला मॉडल था, क्लोवर लीफ मॉडल, तो क्लोवर लीफ मॉडल आप हम tRNA का देखते हैं। इसको किसने दिया था? होले ने दिया था। कब? 1965 में दिया, इन ईस्ट एलन tRNA। जो रॉबर्ट होले थे, ये जो क्लोवर लीफ मॉडल आप आरएनए को दिए थे, किसमें दिया था इन्होंने? क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ आरएनए किसने दिया? किसने दिया इसको? होले ने दिया। और किस चीज़ में? ईस्ट में, ईस्ट एलनिन टी आरएनए में इन्होंने खोजा था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल,
tRNA मेड अप सिंगल पॉली न्यूक्लियोटाइड। वैसे भी जनरली आरएनए सिंगल ही चेन का बना होता है, सिंगल पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का चेन अप। इसमें 77 बेसिस होंगे, प्लेस्ड इन सच ए वे लुक्स लाइक डबल स्टैंडर्ड। ये इस तरह से प्लेस होता है, ऐसा लगता है कि डबल स्टैंडर्ड है, 77 बेस पेयर का बना है। चेन हैविंग अनपेयर्ड बेस सीक्वेंस CC एट 3' एंड ग्वानिन एट 5' एंड एमिनो एसिड अटैच विथ 3' एंड। आपको पहले दिखा देते हैं, ओके ये देखिए, ये हो गया, ये ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे, ये इसका ये इसका 5' एंड है, ये 3' एंड है। तो 5' एंड पे क्या है, जी, क्या है, जी, और 3' एंड पे क्या है, यहाँ से पढ़ेंगे CCA, ये इसका रिजर्व सीक्वेंस है, ये 3' एंड है। इसी ये 3' एंड पे एमिनो एसिड को रखता है, किसे रखता है, एमिनो एसिड, देखिए यहाँ पे 3' एंड पे, यहीं पे एमिनो एसिड को ये ढोता है, ठीक। अब देखिए ये इसका सिंगल, ये 5' एंड, ये जो आ रहा है ना, ये ऐसे राउंड बना के इसमें जो आर्म है DHU आर्म है, या DHU लूप बोलते हैं। देखिए जो ये ऐसे एक बना है, ये स्टेम है और ये लूप है, ये स्टेम है और ये लूप है, तो इसमें भी स्टेम और लूप है, इसमें भी स्टेम और लूप है, इसमें भी स्टेम और लूप है, इसमें भी स्टेम लूप है। जो ये वेरिएबल आर्म है, इसमें बस लूप है, स्टेम अब्सेंट है, ठीक बच्चा। तो 5' एंड पे क्या है, जी नाइट्रोजनस बेस है, और 3' एंड पे CCA रिजर्व सिक्वेंस है, CCA रिजर्व सिक्वेंस है। हर tRNA जो होंगे उसके 3' एंड पे CCA रिजर्व सीक्वेंस होगा, इसी पे ये एमिनो एसिड को ले जाता है, ठीक बच्चा। इसका ये DHU आर्म हो गया, और ये एंटीकोडान आर्म हो गया, और ये वेरिएबल आर्म या लंप बोलेंगे, और इसका ये TCIC राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, ये राइबोसोम को रिकॉग्नाइज्ड करता है, क्या करता है, राइबोसोम को रिकॉग्नाइज। यहाँ पे इसका 3 एंटीकोडान होता है, जहाँ से ये कोड को रीड करके एमिनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाता है, ठीक। तब आप हम लोग देखते हैं ये स्ट्रक्चर, देखिए ये 5' एंड है, यहाँ पे जी है, यहाँ 3' एंड है, या एमिनो एक्सेप्टर लूप है, ये इसका स्टेम हो गया, ये DHU लूप या डी लूप, ये 8 से 12 बेस पेयर का बनता है। यहाँ एमिनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट होता है यहाँ पे, और ये TCIC लूप है, इसे 7 बेस का बना होता है, एंटीकोडान लूप भी 7 बेस का बना होता है, 3 ये एंटीकोडान बनाता है, और ये जो आई है अनयूजुअल यहाँ पे बेस पेयरिंग होती है, जिसको आइनोसिटाल बोलते हैं। तो आइए हम ओवरऑल इसके बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ तक बनने वाला था, दिस चेन हैविंग अनपेयर्ड बेस सीक्वेंस कॉल CCA एट 3' एंड। हमने दिखाया था आपको ग्वानिन 5' एंड पे दिखाया था, और एमिनो एसिड कहाँ अटैच होती है, 3' एंड पे, कहाँ, 3' एंड पे। ये है वो स्ट्रक्चर इनका। अब एक एक लूप के बारे में पढ़ते हैं, पहला है टी लूप किधर, टी लूप देखिए, टी लूप ये था ना, इसको TCIC लूप भी कहते हैं, या टी लूप, इट आल्सो कॉल्ड GTCIG लूप, क्या, GTCIG लूप, साई बराबर स्यूडो यूरोडीन। यहाँ पे कितने बेस पेयर होते हैं, 7 बेस पेयर, 7 नाइट्रोजनस बेस, बे पेयर नहीं होगा, खाली बेस होगा, अनपेयर, क्योंकि ये सिंगल हेलिकल मॉडल, सिंगल हेलिक्स का होता है। कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे, 7। दिस लूप हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, हेंस कॉल राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। जो टी लूप होता है, ये राइबोसोम के अटैचमेंट में हेल्प करता है, इसलिए इसको बोलते हैं राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, क्या बोलते हैं, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। तो टी लूप क्या है, इसको TCIC लूप भी कहते हैं, GTCIG लूप भी कहते हैं, साई बराबर स्यूडो यूरोडीन। ये कितने बेस पेयर का बना होता है, 7 बेस पेयर का बना होता है, ऐसे था ना, ये इसका ये स्टेम हो गया, इसका ये लूप हो गया, लूप में इसके 7 बेस पेयर होता है, ठीक। दिस लूप हेल्प, ये किस में अटैच हेल्प करता है, राइबोसोम बाइंडिंग लूप है, जो राइबोसोम को बाइंड करता है। डी लूप क्या है, इसको DHU लूप भी कहते हैं, DHU मतलब DHY-Uridine, क्या, DHY-Uridine। ये किधर होता है, 5' एंड की तरफ होता है, किधर, 5' एंड की तरफ, 8 से 12 बेस होता है,
ये क्या करता है, इट इज़ बाइंडिंग साइड ऑफ एनमोसाइल सेंथडेज, एमिनो असाइल सेंथडेज का ये बाइंडिंग साइट है। ओके और नेक्स्ट क्या है, एंटीकोडान आर्म। एंटीकोडान आर्म कौन सा था, ये वाला, ये एंटीकोडान आर्म है, ये एंटीकोडान आर्म है। कौन सा आर्म है, एंटीकोडान। तो एंटीकोडान आर्म के बारे में देखते हैं, एंटीकोडान आर्म क्या है, लूप है 7 नाइट्रोजनस बेसेस, कितना बेस होता है 7, और 3 एंटीकोडान बेस होता है बीच में, जो ऐसे था यहाँ पे 3 एंटीकोडान बेस होता है। एंटीकोडान क्या करता है, एमिनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब पहचानता है, उसको बाद उसको 3 प्राइम एंड पे भेज देता है। कहाँ भेजता है, 3 प्राइम एंड पे। अब फंक्शन क्या है इसका देखते हैं, टीआरएनए का फंक्शन क्या है, रिकॉग्नाइज्ड एमिनो एसिड, कहाँ से, एंटीकोडान लूप से एमिनो एसिड को पहचानता है, विच इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। देखिए जो ये आरएनए टीआरएनए होगा, जो राइबोसोम, जो साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा उसको ये पहचानेगा और एमिनो एसिड को कैरी करेगा। कहाँ कैरी करता है, यह 3' एंड पे, कहाँ, 3' एंड पे। तो ये एमिनो एसिड कहाँ ले जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, कहाँ ले जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। टीआरएनए इज एडाप्टर, हेंस का इट ट्रांसफर एमिनो एसिड ऑन राइबोसोम फ्रॉम साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लियस में होता है, तो यह साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड को पकड़ पकड़ के न्यूक्लियस में लाता है प्रोटीन सिंथेसिस के समय। नेक्स्ट हमारा आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, ओआरआर, एमआरएनए। कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ओआरआर, एमआरएनए। ये लीस्ट कंसंट्रेशन होता है 5% ऑफ टोटल, सबसे ज़्यादा आरएनए, फिर टीआरएनए, फिर एमआरएनए। एमआरएनए कौन सा था, कोडिंग आरएनए था। देखिए आरआरएनए को आरएनए पॉल फर्स्ट, टीआरएनए को थर्ड, एमआरएनए को आरएनए पॉल फर्स्ट बनाता है, एंड सिंथेसाइज बाय आरएनए पॉल सेकंड एंड डीएनए टेम्पलेट, कहाँ, डीएनए टेम्पलेट। लीस्ट स्टेबल होता है और लीस्ट कंसंट्रेशन होता है, कहाँ बनता है, न्यूक्लियस में बनता है, कहाँ, न्यूक्लियस में बनता है। बट कौन सा न्यूक्लियोलस में बनता था, बताइए, कमेंट करके बताइए। प्रोवाइड कोडन फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इसलिए कोडिन आरएनए बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, जो आपको पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दिया है आपने, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, यहाँ से एमआरएनए का बनना क्या कहा जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ एमआरएनए बन गया, उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए को किसने खोजा था, जैकब एंड मोनाद ने, किसने, जैकब एंड मोनाद ने। ये कैसा आरएनए है, शॉर्ट लिव्ड है, इसका मिनिमम एज है डाई आफ्टर फ्यू ट्रांसलेशन, कुछ ट्रांसलेशन के बाद ये डेथ हो जाता है, इसका मतलब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। एमआरएनए का कितने टाइप होता है, एमआरएनए दो टाइप का होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक एमआरएनए मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, और ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए क्या है, इसमें एक ही सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, एक ही सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। सिस्ट्रॉन क्या है, उसकी फंक्शनल यूनिट है, और एक टाइम में ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता है। जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, फॉर्म फॉर्म मोर देन वन सिस्ट्रॉन, और एक बार में ये ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता है। तो प्रोकैरियोटिक जो आरएनए एमआरएनए है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, और यूकैरियोटिक मोनोसिस्ट्रॉनिक, कैसा, मोनोसिस्ट्रॉनिक। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये डीएनए है, इसका ये 5' एंड है, और ये 3', ये 3', ये 5', क्योंकि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल आपने पढ़ा होगा, उसमें डीएनए बताया गया, डीएनए डबल हेलिक्स का बना हुआ था, विच आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ये देखिए डीएनए का ये लूप है, यहाँ से एमआरएनए बनना ही ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए में देखिए, ये देखिए, ये हो गया इसका कोडिंग रीजन। कौन सा रीजन, कोडिंग रीजन। यहाँ पे क्या होगा, इनिशिएशन कोडान होगा और यहाँ पे टर्मिनेशन कोडान होगा। जब ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा।
यहाँ फाइव प्राइम इंड है, यहाँ पे थ्री प्राइम इंड है। फाइव प्राइम इंड पे कैप होता है, थ्री प्राइम इंड पे पॉली ए टेल होता है। ये बीच बीच में नॉन कोडिंग रीजन है। जब हम लोग स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे तो यही नॉन कोडिंग रीजन को हटाने के लिए हम लोग स्प्लिसिंग पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर आप यूकैरियोटिक एमआरएनए हमने दिखा दिया आपको। आप फंक्शन देखते हैं एमआरएनए के क्या है। इट कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देखिए जो प्रोटीन का सिंथेसिस करना है ना, वो डीएनए इन्फॉर्मेशन किसको देता है? एमआरएनए को। ओके, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस से निकल के तो आएगा नहीं बाहर, वो अपना इन्फॉर्मेशन एमआरएनए को देता है। एमआरएनए जाके राइबोसोम के साथ प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब हमने जो आपका कैप बताया था वहाँ पे एमआरएनए में, द कैप हेल्प इन अटैचमेंट विथ राइबोसोम। जो इसका कैप होता है वो इसको राइबोसोम से अटैच करने में हेल्प करता है। हमारा नेक्स्ट आरएनए क्या है? हेट्रोजीनस आरएनए, ओआरआर, एचएनआरएनए और डीएनए लाइक आरएनए। कौन सा? हेट्रोजीनस आरएनए, एचएनआरएनए और डीएनए लाइक आरएनए। अब तक हमने कौन कौन सा आरएनए आपको बताया? पहले हमने आपको आरआरएनए बताया, फिर टीआरएनए बताया, फिर एमआरएनए बताया। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा था? 80% आरआरएनए। सबसे कम क्या कौन था? एमआरएनए। लीस्ट स्टेबल एमआरएनए। और टीआरएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियस में। जो आरआरएनए कहाँ बनता है? वो न्यूक्लियोलस में। आरआरएनए को कौन बनाता है? आरएनए पॉल फर्स्ट, टीआरएनए को आरएनए पॉल थर्ड और एमआरएनए को आरएनए पॉल सेकेंड। हेट्रोजीनस आरएनए को बारे में लिखते हैं, इट इज सेंट्रलाइज्ड इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में ही बनता है एंड डीएनए टेम्पलेट बाय आरएनए पॉल थर्ड। तो देखिए जो एचआरएनए है वो एमआरएनए ही है। क्या है? एमआरएनए है। तो ये किसके द्वारा बनता है? आरएनए पॉल थर्ड के द्वारा न्यूक्लियस में। इट फॉर्म ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। जब ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए बनेगा वो एचआरएनए ही बनेगा। तो जब फिर एचआरएनए की प्रोसेसिंग होगी तो एमआरएनए में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कहाँ बनता है? डीएनए टेम्पलेट पे। किसके द्वारा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड के द्वारा। किसके द्वारा? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा। इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बिकॉज इट कंटेन कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन अलोंग द डीएनए लेंथ। देखिए जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा जो आरएनए बनता है, एमआरएनए जो बनता है वो यही हेट्रोजीनस आरएनए बनता है। इसमें जगह जगह कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन होता है, इसलिए इसको हेट्रोजीनस आरएनए बोलते हैं। और जब स्प्लाइसिंग करते हैं तो नॉन कोडिंग रीजन को हटा देते हैं। नॉन कोडिंग मतलब कोई किसी अमीनो एसिड कोड नहीं कर रहा है तो वो किसी काम के नहीं है, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। कोडिंग रीजन आर कॉल्ड एक्सॉन, नॉन कोडिंग रीजन आर इंट्रॉन। क्या? कोडिंग रीजन को एक्सॉन, नॉन कोडिंग रीजन को इंट्रॉन। तो इंट्रॉन मतलब इनएक्टिव रीजन, मतलब किसी अमीनो एसिड कोड नहीं कर रहा है। कोडॉन मतलब एक्सॉन मतलब ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव रीजन है जो अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। ठीक, तो क्या है? रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग रीजन दैट इज इंट्रॉन फ्रॉम एचआरएनए कॉल्ड आरएनए प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं उसको? आरएनए प्रोसेसिंग, जो आपको पढ़ना भी है। तो आरएनए प्रोसेसिंग में कितने स्टेप होते हैं? कैपिंग, टेलिंग, स्प्लिसिंग। क्या क्या? कैपिंग, टेलिंग, स्प्लिसिंग। इस लेक्चर में हम लोग आरएनए प्रोसेसिंग नहीं पढ़ेंगे। पहले हम लोग फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद ये सब वगैरह पढ़ेंगे। तो आपको आशा करते हैं आरएनए के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके, आया समझ में? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए कमेंट करके। ठीक, ये आपका कल वाला लेक्चर था। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।